फ्रेंड्स वेलकम टू वुमेन सर्किल आज हम आपसे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा चलना बहुत कम कर देता है जो पेट में एक बच्चे की हलचल एक माँ महसूस करती है वो हलचल बहुत कम हो जाती है ऐसे में एक माँ बहुत परेशान हो जाती है कि पेट में बच्चा जो अच्छे से चल रहा था अच्छे से उसकी मूवमेंट हो रही थी वो क्यों नहीं हो रही है इसकी कई वजह हो सकती है आज हम उसी बारे में बात करेंगे इसकी कई वजह हो सकती है इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके पेट में पानी की कमी हो आप पानी कम पी रही हो बच्चा जब पेट में रहता है तो वो एक पानी की थैली में ही रहता है जिससे वो अच्छे से मूवमेंट करता है और अगर पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चा अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा इसलिए आपको जितने दिन भी आप प्रेग्नेंट रहते हैं आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में पानी की कमी ना होने पाए पानी की कमी अगर होगी तो उससे बच्चे का मूवमेंट सही से नहीं होगा इसके लिए आपको अच्छे से पानी पीना है अगर आप सादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर पे गुलकोंडी या इस तरह का मतलब कोई भी आप ड्रिंक ले सकते हैं कोई भी हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं जिससे आपके बॉडी में पानी की कमी ना होने पाए इससे आपके बच्चे का मूवमेंट अच्छे से होता रहेगा और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना काम करते करते काफ़ी थक जाती है और जब वो काम करते थकती है तो बच्चा भी कभी कभी थक जाता है तो ऐसे में वो एकदम मूवमेंट करना कम कर देता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप काम कर रही होती हैं तो जब आप चला फिरा करती हैं घर में कोई काम कर रही हैं चलने फिरने वाला काम कर रही है तो बच्चे को एक झूले सा फील होता है और बच्चा उसमें सो जाता है अक्सर आपने खुद ये फील किया होगा कि जब आप रात में लेटती होंगी तो बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा अच्छा होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप लेटती हैं बच्चे को एकदम सन्नाटा महसूस होता है तो बच्चा अच्छे से हलचल करता है उस और जब आप दिन में काम कर रही होती हैं तो वो एक झूले जैसा उसको फ़ील होता है और बच्चा सो जाता है तो जब आपको कभी ऐसा लगे कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम है तो आप अच्छे से पानी पी लीजिए और आप लगभग आधे घंटे के लिए एकदम रिलैक्स होकर एकदम सीधे से लेट जाइए आपको थोड़ी देर में अपने बच्चे की मूवमेंट ज़रूर फील होगी और अगर नहीं होता है आधे घंटे में ऐसा तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एनिमिक हो वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सी लेडीज में ऐसा देखा गया है कि वो एनिमिक हो जाती हैं और जब कोई भी एनीमिक हो जाता है तो उस ऑक्सीजन जितनी पहुंचनी चाहिए बॉडी में उतनी पहुंच नहीं पाती है तो सांस लेने में खुद भी दिक्कत होती है और जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती आप खुद नहीं सही हैं तो बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं करेगा उतनी अच्छे से ग्रोथ भी बच्चे की नहीं होगी इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जिससे आप में हीमोग्लोबिन की कमी ना होने पाए आप एनिमिक ना हो वरना लास्ट में डिलीवरी के टाइम में भी आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके बच्चे का मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा और आप भी बहुत अच्छा फील करेंगी